दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यूपी का एक परिवार जो मुंबई में रहता था, उनके साथ घटने वाली यह खौफनाक घटनाएं हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा परिवार मुंबई में ही रहता था। शुरू से ही उनके परिवार में काफी खौफनाक घटनाएं घटती थी। यूपी से लेकर मुंबई तक बस परेशानी ही परेशानी थी उनके जीवन में। ऐसा लगता था जैसे कोई बुरा साया उनका पीछा कर रहा हो। रात क्या दिन में भी उन्हें डर लगता था। हमेशा लगता था कि घर में कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ बुरा होता था हर हमेशा उनके साथ। ऐसा लगता था कोई साया उनका पीछा कर रहा है। अजीब सी आवाजें उनको सुनाई पड़ती थी, कभी किसी बच्चे की रोने की तो कभी किसी औरत की रोने की आवाज उन्हें हमेशा परेशान किया करती थी। कभी कोई फुसफुसाहट उनके कानों में सुनाई पड़ती थी। अजीब सा डर का माहौल बन गया था उनके घर में। उनके परिवार में एक उनका सबसे छोटा बेटा अरुण, जो इन घटनाओं से काफी परेशान था, पर उसने मन में ठान लिया था कि वह एक दिन बहुत बड़ा तांत्रिक बनेगा और अपने घर की सभी परेशानियों को वह दूर करेगा। इसीलिए वह एक दिन मुंबई से यूपी अलीगढ़ अपने गांव चला गया। वहां एक तांत्रिक रहते थे जिनके सानिध्य में अरुण ने विद्या ग्रहण प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में छोटी मोटी विद्याओं से उसने सीखना प्रारंभ किया। एक दिन अमावस्या की रात तांत्रिक ने अरुण से कहा, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विद्या सीखने का समय आ गया है। तांत्रिक अरुण को शमशान में ले गया, एक गोला बनाया और अरुण को उस गोले में खड़ा किया। अरुण को एक मंत्र बताया और कहा कि कुछ भी हो जाए, इस मंत्र का जाप तुम्हें अंत तक करते रहना है। तुम्हारे साथ अजीब घटनाएं घटेगी, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, कई भयानक घटनाएं घटेगी, अजीब आत्माएं दिखेगी, कई रूप लेंगी, सांप, बिच्छे, गोजर, ऐसी कई सारी चीजें तुम्हारे पास आएंगी, पर तुम्हें वह कुछ नहीं करेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मंत्र पढ़ोगे और इस घेरे में रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अरुण ने हामी भर दी। तांत्रिक ने अरुण को सब विधि बताई और वहां से चला गया। अरुण मंत्र प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में वहां हवाएं चलने लगी, अजीब सी आवाज सुनाई पड़ने लगी, अजीब सी परछाई अरुण को दिखाई पड़ने लगी। अरुण मंत्र पढ़ता रहा, पर घबराहट हो रही थी अरुण को। फिर भी अरुण मंत्र को जोर जोर से पढ़ रहा था। अब वह परछाई अरुण के करीब आती दिखाई पड़ रही थी। अरुण काफी घबरा गया, फिर भी मंत्र पढ़ता रहा। अब हवाएं और जोर हो गई और परछाई नजदीक हो गई। अरुण को लगा जैसे परछाई उसके ऊपर कूद पड़ेगी। अरुण उठा घेरे से और दौड़ लगा दी। बस क्या था, अरुण की सारी सिद्धि व्यर्थ हो गई। बुरे आत्मा ने अरुण को जकड़ लिया, अरुण पागल हो गया। अब वह शमशान और घाटों पर पागलों की तरह भटकता है। उस तांत्रिक ने अरुण के घर वाले को ठीक कर दिया, पर वह अरुण को ठीक नहीं कर सका, क्योंकि अरुण के शरीर में लाखों ऐसी आत्माएं वास कर रही थी जो अरुण को छोड़ना नहीं चाह रही थी। इसीलिए अरुण आज भी घाटों पर भटकता है। यह बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल को भेज सकते हैं। हमारे चैनल की तरफ से आपको एक गिफ्ट इनाम के तौर पर दी जाएगी। हम बहुत जल्द ही इनाम की घोषणा कर देंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा अच्छा कॉमेंट करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।